तो दोस्तों, घर को वेल मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना हर किसी को अच्छा लगता है, बट सबको ऐसा लगता है कि घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बाहर से बहुत सारे ऑर्गेनाइज परचेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपने ही घर में पड़ी हुई चीज़ों से अपने घर को अच्छा सुंदर बना सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट लाइफ इज स्वाति। होपफुली दोस्तों कि आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मीन्स कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत सारे आइडियाज़ एंड DIY। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू आवर आइडियाज़। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली, जो कि हम लोग बनाने वाले हैं घर में ही पड़ी हुई चीज़ों से। ऐसी चीज़ें हमारे सबके घर में होती है। अगर ये नहीं है तो आपके पास जो बॉटल्स है वो तो ज़रूर हो गई होगी। एंड ये कैप है, एक मेरे पास कंटेनर था, उसका मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। तो उसका जो कैप था वो ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने सोचा कि चलिए इसका यूज़ क्यों ना कुछ ना कुछ कर लिया ही जाए। तो देखिए, इस जो कंटेनर थे इसको मैंने कट कर लिया था, इस पर मैंने एक्रेलिक कलर किया है। जैसे ग्रीन था तो उस पर लाइट ग्रीन कर लिया, एंड जिसका येलो कलर था उसको मैंने लेमन कलर कर दिया है। तो इस तरीके के मैंने इस पर मैसेज लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने लिखने के लिए मैंने गूगल में देखा था एंड सर्च किया है थोड़ा डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि इतना नहीं आता है, ठीक है। मतलब बहुत सोचना पड़ता है, तो ज़्यादा सोचना ना पड़े इसलिए हमारे पास गूगल तो ही, उस पर मैंने सर्च कर लिया था। एंड ये ड्राई हो चुका है कंप्लीट, एंड इस पर मैंने लाइट पिंक कलर किया था। एंड इस पर मैं वुडन जो पॉलिश होता है वो इस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये किचन में यूज़ होने वाला है। एंड इसको करने से क्या होता है दोस्तों, आप इसको वॉश भी कर लोगे ना, कितनी बार भी आप रगड़ रगड़ के इसको वॉश करोगे फिर भी इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इसी कारण मेरे पास जो वुडन पॉलिश है वो यूज़ कर। हेयर आई एम यूजिंग लेस, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये जो कट किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ लेस। तो यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है। ये मैंने मीन्स के घर में रखी हुई थी, ब्लाउज़ के लिए लाई थी, तो वो मेरे पास रखी हुई थी एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो देखिए दोस्तों, आप एज इट इज़ मीन्स कि आप अलग अलग जो छोटे छोटे कंटेनर हैं आप उसको भी ऐसे यूज़ कर सकते। बट दोस्तों, जैसे कि मेरा जो किचन है काफ़ी छोटा है, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, काफ़ी ही छोटा है, तो स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसलिए इसको मैं एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बना रही। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी आवर हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र इज़ रेडी। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्पून हो गया, स्पेचुला हो गया, वो रखने के लिए मैं यूज़ करूँगी। तो मेरे यहाँ पर स्पेस की कमी है, इसी कारण मैं इस तरीके से इसका यूज़ करूँगी। एंड यहाँ पर चाहे तो आप एक इस पर मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, जिसके मैंने यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपके साथ एक DIY ऑर्गेनाइज़र शेयर करने वाली हूँ, मेरे पास रखा हुआ था। इसका जो ढक्कन है वो जल गया था मेरे हाथ से। सो जस्ट आई एम मेकिंग अ ऑर्गेनाइज़र, एंड आप लोग इसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, तो ये ड्राई नहीं हुआ था। जैसे कि आपको पता ही है रेनी सीजन चालू है, तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। और बाय मिस्टेक मैंने वार्निश अप्लाई कर दी थी उस पर, तो वो कलर थोड़ा सा मतलब बिगड़ गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र इसका यूज़ करने वाली हूँ। आपको दिखा देती हूँ दोस्तों कि आप एक ही चीज़ तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फुल वॉच करने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, प्लस आपको लगता है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज डोंट सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो प्लास्टिक कंटेनर बॉटल है, सॉरी, तो आप लोग देख सकते हैं ये आइडिया काफ़ी सारे लोगों को अच्छा लगा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आप किसी भी डिस्कार्ड की हुई चीज़ को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप उसका जो पूरा पैसा है ना, आप वो निकाल सकते हो पूरा निचोड़ निचोड़ के। तो ऐसा ही सीखिए दोस्तों, आप लोग भी पूरा निचोड़ निचोड़ के हर चीज़ का पैसा निकालिए। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी बेटी ने यहाँ पर पूरा फैला के रख दिया है, मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेट जाते हैं तो टीवी देखते रहते हैं, तो वो वैसी ही चीज़ें हो जाती है।
तो दोस्तों ये देखिए पूरा फैला हुआ था, मीन्स कि ऐसा फैला हुआ रहता है। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइज़र होता है जिसमें कि हम पेन पेंसिल प्लस स्टेशनरी का जो भी सामान होता है हम लोग इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरीके के जो कार्ड होते हैं बच्चे हैं हमारे घर में छोटे लर्निंग कार्ड, तो हम लोग किस तरीके से इसको रख सकते हैं, जब भी हमारे बच्चों को चाहिए रहेगा हम इसमें से दे देंगे, अगर नहीं चाहिए रहेगा तो इसमें हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे। अगेन मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ, तो ये देखिए दोस्तों कि इस तरीके का जो पान क्या कहते हैं पान सुपारी सोप सुपारी जो भी होता है इस तरीके का जो ऑर्गेनाइज़र होता है, मीन्स कि हम लोग इसमें रखते हैं, तो आजकल तो ऐसा कोई यूज़ नहीं करता, मीन्स कि मेरे घर में तो ऐसा यूज़ नहीं होता, ये काफ़ी पुराना है रखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए आप इसमें जैसे कॉइन हो गए, चॉकलेट हो गए, छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं, एंड आप लोग देख सकते हैं दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो आप इसको जैसे कि एक आप जैसे चाहे वैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसका यूज़ किया है। आप फ्रिज के टॉप पर रख सकते हैं, चाहे जो सेंटर टेबल है आप वहाँ पर भी रख सकते हैं, दिखने में वैसे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके का जो ज्वेलरी बॉक्स होता है वो भी पड़ा हुआ रहता है। तो मेरे पास ग्लू गन की स्टिक है, आप ऑब्वियसली दोस्तों कि आपके पास भी होगी क्योंकि आप मेरे वीडियो को देखते हो, तो आप भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही होंगे। सो आपकी जो ग्लू गन की स्टिक रहती है आप उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि इधर उधर वो फैलेगी और जल्दी ही आपको आपकी चीज़ें मिल जाएगी एंड आपका घर वेल ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की जो बैग होती है जब हम लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी आती होंगी, बट जब भी मैं फर्स्ट क्राइसलर शॉपिंग करती हूँ बेटी के लिए तब उसमें इस तरीके की बैग मिलती है और मेरे पास काफ़ी सारी जमा है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। तो देखिए दोस्तों आप महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं ले सकते हैं, आपकी फ्रिज को फ्रिज में किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए जैसे वेजिटेबल हो गया आप उसको स्टोर करने के लिए महंगा ऑर्गेनाइज़र नहीं ले सकते हैं। तो आप इस तरीके के जो बैग होते हैं जो हमें शॉपिंग में मिलते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं बहुत अच्छे से पैक हो जाता है एंड बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग कभी भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, उसके ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप समझ ही सकते हो वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के जो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है तो आप इसमें जैसे कि अजवाइन हो गया, लौंग हो गया एंड इलायची हो गया, आप इसमें स्टोर करके लेकर जा सकते हैं ट्रैवलिंग में, चाहे आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा आपके बैग में भी एंड अच्छे से, मीन्स कि टाइट है इसका जो कैप है वो टाइट है तो बिल्कुल खुलेगा भी नहीं और ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमेशा ही अपने बैग में रख सकते हैं इसको। सो गाइज दिस इज़ आवर लास्ट टिप। तो ये जो बेडशीट है ये कॉटन की नहीं है, ये मेरा जो अदर चैनल है उस पर स्पॉन्सरशिप में मिली है, मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन है इस बेडशीट का एंड ये पॉली कॉटन ऐसा कुछ इसका फैब्रिक है। तो देखिए दोस्तों दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है एंड इस पर आप देख सकते हैं प्रिंट भी काफ़ी अच्छी है, बट जब भी हम लोग इसको बिछाते हैं तो वो क्या एक जगह पर है ना पूरी जमा हो जाती है, तो इसको हम लोग अच्छे से मीन्स कि ये अच्छे से बनी रहे, मीन्स कि एक जगह पर जमा ना हो या फिर इधर उधर ना खसके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास कॉटन की ओल्ड बेडशीट है वो हमें इस पर स्प्रेड कर देना है, उसके बाद आपको इस बेडशीट को बिछाना है, तो ये अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रहेगी। मैं इस तरीके से ही इसको बिछाती हूँ। सो गाइज दीज आर आवर टूडेज आइडियाज़ हैक एंड DIY। So do let me in the comment section about this and I have a small request, do subscribe my channel with the notification bell icon, like, share, comment, subscribe. तो चलिए मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।